सिंधु नदी के नाम पर हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिमालय के पश्चिम में सिंधु नदी बहती है और एक बड़े भूभाग को घेरे हुए है। इस भूभाग को सिंधु घाटी कहते हैं। जब अरब के लोग भारत व्यापार करने आए तो वे भारतीयों को सिंधु नदी के नाम से जानते थे, क्योंकि सिंधु नदी उसी क्षेत्र में बहती है। अब अरबवासी सिंधु नाम से भारत की पहचान करने लगे, लेकिन उच्चारण में वे थोड़ी सी गड़बड़ करते थे, क्योंकि फारसी भाषा में संस्कृत की स ध्वनि ह में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार सिंधु से सिंध बना, सिंध से हिंद बना और स्थान वाचक संज्ञा के रूप में हिंद से हिंदू व हिंदी शब्द का निर्माण हुआ। इस प्रकार सिंधु से सिंध, सिंध से हिंद, हिंद से हिंदी और हिंदी से हिंदुस्तान कहा जाने लगा। इसलिए सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा जाने लगा। इस प्रकार अरब देशों में भारत की पहचान हिंदू नाम से होने लगी। कालांतर में सिंधु नदी के पूर्व में सभी भारतीय प्रदेशों को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।